मुल्क के कई हिस्सों को केवड़िया से जोड़ने से मुहिम के आज वजीर आजम करेंगे शुरुआत। 8 लग्जरी ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से होगा सीधा रास्ता। शनिचर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने की कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम की शुरुआत। मुल्क को किया खिताब, कहा पूरी इंसानियत के लिए है वैक्सीन। एक साल की मेहनत को याद करते हुए जज्बात। पूरे मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन के पहले दिन में 91,181 लोगों को दिया गया वैक्सीन। पहले मरहले की वैक्सीनेशन मुहिम में शामिल होंगे 3 करोड़ लोग। पहली डोज लगवाने वालों को 28 दिन बाद दी जाएगी दूसरी डोज। वैक्सीनेशन के पहले मरहले के पहले दिन को वजारत सेहत ने बताया कामयाब, कहा नहीं आया अस्पताल में भर्ती होने जैसा कोई मामला। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक का ऐलान, वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स पर कंपनी देगी मुआवजा। वैक्सीनेशन मुहिम शुरू होने पर भी सियासत जारी। कांग्रेस लीडरान के वैक्सीन के महफूज न होने के दावे को पंजाब के सीएम ने किया खारिज। ममता के मुफ्त वैक्सीन के दावों पर बीजेपी का ट्वीट, लिखा मरकज की जानिब से पहला मरहला है मुफ्त। किसानों की तारीख का आज 53वां दिन। सिंघू बॉर्डर पर किसान तंजीमों की आज अहम मीटिंग। पीर को सुप्रीम कोर्ट में दायर होने वाले हलफनामे और समाज पर होगा गौर उखौर। दोपहर 12 बजे पंजाब के जत्थेबंदियों की होगी मीटिंग। पंजाब के बाद दोपहर 2 बजे के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी। आज की मीटिंग में किसान बनाएंगे ट्रैक्टर परेड की हिकमत अमली। यौम जमहूरिया की किसान परेड का फाइनल ड्राफ्ट आज किया जाएगा तैयार। पंजाब के मनसा में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, कहा पूरम तरीके से होगी दिल्ली में ट्रैक्टर परेड। किसान तहरीक पे खालिस्तान कनेक्शन की जी मीडिया की खबर का हुआ असर। एनआईए ने करीब 20 लोगों को आज पूछताछ के लिए बुलाया। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू, किसान लीडर बलदेव सिंह सिरसा को भी मिला पूछताछ का नोटिस। व्हाट्सएप ने 15 मई तक टाला अपना प्राइवेट प्राइवेसी प्लान। लोगों के खदशात के बाद फैसला, कहा पॉलिसी के बारे में जानने और उसके जायजे के लिए यूजर्स को मिलेगा वक्त। वजीर दाखिला अमित शाह के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन। आज करेंगे बंगलकोट और बेलगावी का दौरा। इथेनॉल प्रोजेक्ट और अस्पताल के एडवांस सेंटर का करेंगे इफ्तिताह। रामपुर के जवाहर यूनिवर्सिटी मामले में समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान को बड़ा झटका। एडीएम कोर्ट का यूनिवर्सिटी की 70 हेक्टेयर जमीन को यूपी हुकूमत के नाम दर्ज करने का हुक्म। अब तक जौहर ट्रस्ट के नाम थी पूरी जमीन। राजस्थान के जालौर में बड़ा हादसा, बिजली की तार के रास्ते में आने से बस में लगी आग। 6 से ज्यादा मुसाफिरों की मौत। हादसे के वक्त बस में सवार थे 40 से ज्यादा मुसाफिर। पूरे शिमाली हिंदुस्तान में सर्दी का सितम अब भी जारी। दिल्ली समेत कई रियासतों में घना कोहरा, कई जगहों पर विजिबिलिटी 0 के करीब। महकमे मौसमियात का अगले कुछ दिनों तक राहत नहीं मिलने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में अब भी शदीद बर्फ जारी। यूपी में माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी। प्रयागराज में स्ट्रीट शीटर अजयपाल के मकान को गिराया गया। मुरैना में जहरीली शराब कांड मामले में जांच कमेटी आज हुकूमत को सौंपेगी रिपोर्ट। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी में बनी है टीम। रेलवे फिर शुरू कर रही है ई कैटरिंग सहूलत। कोरोना वबा के सबक कुछ महीनों से बंद थी सर्विस। बजट में एलटीसी कैश वाउचर स्कीम अगले साल भी जारी रहने की उम्मीद। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन से 22 दिन पहले कोरोना के 3 मामले आए सामने। आज अजारेंका समेत 47 खिलाड़ी क्वारंटीन किए गए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज के नाम एक और रिकॉर्ड। लियोन ने सबसे ज्यादा 6 बार रोहित को शिकार किया, अपने 100वें टेस्ट में हासिल किया मुकाम। ब्राजील में कोरोना का बोहरान गहराया, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने से मरीजों की परेशानी बढ़ी। इटली में कोरोना वबा से लोगों का कारोबार मुतासिर, रेस्टोरेंट और बार मालिकों ने सरकारी पाबंदी की मुखालफत। सोशल मीडिया यूजर्स के साथ आए बीजेपी लीडर, मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर से कहा तांडव पर रोक लगाओ।
और बिग बॉस के सेट के बाहर दर्दनाक हादसा, टैलेंट मैनेजर तिश्ता धाकड़ की सड़क हादसे में मौत।